वहीं जमीयत ए उलेमा हिंद के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी को हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं तो वो कहीं और चले जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क हमारा है और हम इसे बचाएंगे। मदनी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि मदनी कौन होते हैं कानून पर दखल देने वाले। समान नागरिक संहिता लागू जरूर होगी, उनका कोई भी बयान अनर्गल है। हमारे साथ एसपी सिंह बघेल हैं। महमूद मदनी ने ये बयान दिया है कि जिसको हमारा मजहब बर्दाश्त नहीं वो देश छोड़कर चले जाए, ये देश हमारा है। ये देश सबका है, ये हमारा उनका नहीं है ना ये हमारा है, ये देश सबका है। हमें उनके उनके धर्म से किसी को दिक्कत नहीं है, हिंदू धर्म से उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने रीत रिवाज परंपराएं पूजा पद्धति को पालन करते हुए। लेकिन संविधान और संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार देश चलेगा। इस प्रकार की बातें देश तोड़ने वाली, भाईचारा तोड़ने वाली, सामाजिक एकता तोड़ने वाली और एकता और अखंडता तोड़ने वाली बातें ना करें। मदनी ने यह भी कहा है कि सरकार उनको संरक्षित कर रही है जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं। सरकार संरक्षित कर रही है इस देश के महागरीबों को, इस देश के छात्रों को, व्यापारियों को, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना चाह रही है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मानने को तैयार नहीं है, आज प्रस्ताव भी उन्होंने ला दिया आपने। वो कौन होते हैं, अगर पार्लियामेंट में कोई चीज आती है तो उसको ना मानने वाले वो कौन होते हैं? ऐसे तो वो आईपीसी को भी एक दिन बना कर देंगे, सीआरपीसी को भी कर देंगे, सीपीसी को भी कह देंगे, कहेंगे वी डोंट बिलीव इन इंडियन एविडेंस एक्ट, वी डोंट बिलीव इन आर्म्स एक्ट, वी डोंट बिलीव इन एक्साइज एक्ट, वी डोंट बिलीव इन डायवरी एक्ट, वी डोंट बिलीव इन अनटचेबिलिटी एक्ट। तो वो कौन होते हैं ना? भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को शेड्यूल 6 वगैरह को छोड़ दो नॉर्थ ईस्ट में, और अभी 370 जब तक समाप्त नहीं की थी तब तक कश्मीर है, इस पार्लियामेंट से पारित कानूनों को मानने के लिए बाध्य हैं। और दूसरा, किसी को कभी कोई दिक्कत हो तो सेशन में जाए, सेशन के फैसले से उसको दिक्कत है तो माननीय हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट से प्रॉब्लम हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, रिट कर सकता है, जा सकती है, अपनी बात को कह सकते हैं। लेकिन ऐसे धमकाने से कोई धमकने में नहीं आ रहा है। और वो कल दिन भर आप लोगों ने उनका चलाया कि हमारे सब्र का इम्तहान ना लिया जाए, बल्कि मैं कहता हूँ सब्र में ही रहें, इम्तहान कोई नहीं ले रहा है। बेसब्र हो जाएंगे तो परेशानी में वो भी पड़ेंगे और दूसरों को भी डाल देंगे। तो साफ है कि एसपी सिंह बघेल का कहना है कि मदनी का जो बयान है वो असंवैधानिक है, अगर वह सब्र की बात करते हैं तो कानून से देश चलता है और कानून का पालन जरूर होगा, कोई भी कानून आएगा वह संवैधानिक रूप से आएगा और उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसमें किसी की हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन मिथिलेश के साथ अवनीश कुमार, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।